नमस्कार। तो आज यहाँ पे टाटा मोटर स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट अभी यहाँ पे चेक करेंगे। उसी के साथ एक खास न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। टाटा मोटर्स ने आज सुबह में गैप अप से ओपन हुआ था, ओपन होकर एक अच्छी तेज़ी बनाई थी, फिर उसके बाद स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। पर रिसेंटली यहाँ पे आप लोग नज़र डालोगे तो स्टॉक ने एक 1000 लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सस्टेन हो चुके, एक बेस बनाए, सपोर्टिव जोन बनाया, तो वहाँ से आप देख सकते कि पुल बैक देखने को मिलेगा। ये हमने पहले भी बात की थी, आज भी देख सकते कि पुल बैक जनरेट हुआ था, पर ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिली, फिर से गिरावट हो चुकी है। पिछले एक महीने की बात की जाए तो स्टॉक ने गिरावट हो चुकी थी और पूरी रिकवरी की है और रिसेंटली 1000 लेवल के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक। न्यूज़ की तरफ हम लोग नज़र डालते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते कि टाटा मोटर्स द एटो मेजर्स जैगुआर लैंड रोवर सेल्स रोज 11% ईयर ऑन ईयर Q4 टू 1,14,038 यूनिट, ड्राइवन बाय इंक्रीज प्रोडक्शन एंड सस्टेन ग्लोबल डिमांड। फॉर द फुल ईयर FY24 सेल्स ग्रू बाय 22% टू 4,31,733 यूनिट्स। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनल ईयर में यहाँ पे FY24 में यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए नज़र आ चुके हैं टाटा मोटर्स के, और तकरीबन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी सेल्स को बढ़ते हुए नज़र आ चुके हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो एक खास बात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स के अंदर आने वाले समय में 1000 लेवल एक अच्छा बेस बनाता हुई नज़र आ रही कंपनी, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जो है तेज़ी देखने के चांसेस और भी नज़र आ जाएंगे।